फिटकरी के हमारे लिए बहुत सारे फायदे हैं। फिटकरी को ठंडे पानी से गीला करके चेहरे के आसपास रगड़ने से झुर्रियां दूर होती हैं। कीड़े मकोड़ों के काटने पर फिटकरी को उस जगह पर रगड़ें जहां पर कीड़े मकोड़े ने काटा है। इससे सूजन, घाव और लालिमा दूर हो जाती है। दांत दर्द से बचने के लिए फिटकरी और काली मिर्च को पीसकर दांतों की जड़ों में मलने से दांतों का दर्द दूर हो जाता है। हल्के गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और सेंधा नमक डालकर गरारे करें। इससे गले के दर्द और सूजन में जल्द ही आराम मिल जाता है। फिटकरी को सही ढंग से यूज किया जाए तो फटी एड़ियों में भी आराम मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा बार्बर दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी को चेहरे पे लगाते हैं। ऐसा करने से चेहरे पे लगे कट से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। अगर कोई अस्थमा से परेशान है या उसे बार बार खांसी आ रही है तो फिटकरी को पीसकर उसमें शहद मिला लें। शहद मिली फिटकरी को चाटने से खांसी बंद हो सकती है। हमारी त्वचा के लिए फिटकरी बहुत अच्छी होती है। फिटकरी के पाउडर को पानी में भिगोने के बाद उससे बने मिश्रण को रुई के माध्यम से अपने चेहरे पे लगाएं। इससे चेहरे पर एक ग्लो आता है। फिटकरी को पानी में भिगोकर उसे कील मुहासे पे लगाने से फायदा मिलता है। अगर आप चर्म रोग से परेशान हैं तो रोजाना उस जगह पर फिटकरी का पानी लगाएं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। फिटकरी का उपयोग कई लोग पानी साफ करने के लिए भी करते हैं। फिटकरी पाउडर और कंडीशनर को आप अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स को दूर करने के लिए फिटकरी और ऑलिव ऑयल को मिलाकर इसे अपने चेहरे पे लगा लें। गर्मियों में होने वाली सनबर्न की समस्या को दूर करने के लिए भी फिटकरी का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पैर में चप्पल के निशान बन गए हैं या हाथ में बहुत ज्यादा सनटैन हो गया है तब भी आप फिटकरी को यूज कर सकते हैं। इससे हाथों और पैरों के रंग में निखार आ जाता है। महिलाएं यदि फिटकरी का यूज करें तो योनि का ढीलापन भी समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके लिए वे अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। चेहरे पर मौजूद अनचाहे बालों को भी फिटकरी की मदद से हटाया जा सकता है। गुनगुने पानी में फिटकरी डालकर पीने से बहुत से फायदे होते हैं। खांसी की समस्या में फिटकरी का पानी बहुत अच्छा होता है। फिटकरी का पानी पीने से मुंह के छालों से भी राहत मिलती है। फिटकरी का पानी पीना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। गुनगुने पानी में फिटकरी मिलाकर पीने से टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सुबह खाली पेट फिटकरी और गुनगुने पानी का सेवन करने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। पेट के कीड़ों को समाप्त करने के लिए भी फिटकरी का पानी पीना बहुत अच्छा होता है। फिटकरी का पानी पीने से एसिडिटी और पेट फूलने की समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, फिटकरी का लंबे समय तक बहुत ज्यादा यूज करने से स्किन ड्राई हो जाती है, अल्जाइमर और कैंसर तक की समस्या भी आ सकती है। वैसे तो फिटकरी का अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसे बहुत अधिक मात्रा में पीने से दस्त और उल्टी की समस्या भी हो सकती है, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है उन्हें एलर्जी भी हो सकती है। फिटकरी पूरी तरह से नेचुरल है तो उसके लिए ये सुरक्षित भी है। फिटकरी का उपयोग अगर आप सही ढंग से करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।